अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लेके आया हूँ मशीन में प्रॉपर तरीके से किस तरह से आप मशीन में सर्विस कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको मशीन की सर्विस करना बताऊँगी, वो भी घर पर खुद से, और आपकी मशीन इससे क्लियर हो जाएगी। आपकी मशीन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपकी मशीन शोर करती है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी मशीन भारी हो जाती है उसका भी मसला हल हो जाएगा, स्लो स्लो चलती है। तो आज मैं आपको मशीन की सारी प्रॉब्लम की सॉल्व बताऊंगी, और आपके जो सवाल हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये देख लेंगे, ये हमारे पास मशीन है, आपकी कोई सी भी मशीन हो, ये नॉर्मल सी मशीन है, इसके सारा कुछ नॉर्मल ही है इस तरह से। उसके बाद ये देख लेंगे, हमारे पास ऑयल चाहिए मशीन के, हमारे पास ऑयल की बॉटल चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक पेशकश होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास एक सीजर, और एक्स्ट्रा हमारे पास कपड़ा होना चाहिए। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये देख लेंगे बस। अब हम इन सामान को साइड पर कर लेंगे। अब उसके बाद ये देख लेंगे बस, मैं आपको बताऊंगी हमें किस जगह पर कहाँ हमें ऑयलिंग करनी है और कहाँ पर नहीं करनी। तो ये देख लें बस, ये जो इनके हिस्सा है यहाँ पर हमें ऑयलिंग करनी है, किस तरह से करनी है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगी, मशीन पे हम अच्छे से इसको ऑयलिंग करना, सर्विस करने के बाद हमें कितना टाइम के बाद हमें सिलाई करनी है और कितने टाइम के बाद हमें सिलाई नहीं करनी, ये भी बताऊँगी। और किस तरह से अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं ऑयलिंग करने के बाद, तो वो भी तरीका बताऊँगी। उसके बाद ये देखें बस, जहाँ मेरी हमारे ये सुराख है वहाँ पर हम ये ऑयलिंग डालेंगे, 2 से 3 कतरे डालेंगे इस तरह से। हमारी मशीन के ऊपर जो सुराख है वहाँ हम इसके ऊपर ऑयलिंग डालेंगे। इस तरह से हमने मशीन के सुराख में ऑयलिंग कर ली है ऑयल करने के बाद। उसके बाद ये देखने बस, हमारी जो मशीन है इसको हम हाथ से चलाएंगे। पहले हम इसके अंदर तेल डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसको हाथ से चलाएँगे इस तरह से। उसके बाद जो हमारे मशीन का साइड का हिस्सा होता है ये, इसको हम खोल लेंगे। तो मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, वरना तो हमें ये टेस्टर की ज़रूरत होती है, कहीं ये टेस्टर की मदद से खुलता है, तो ये मेरा हाथ की मदद से खुल रहा है, तो इसलिए मैंने हाथ की मदद से खोल लिया है। तो आप टेस्टर की मदद से इसको खोल सकते हैं। उसके बाद ये देखने बस, मशीन को मैंने इस तरह से कर लिया है। मशीन के अब अंदर के हिस्से में मैं ऑयल डालूँगी। ये देख लें बस, जहाँ हमारी मशीन का हिस्सा वहाँ हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे इस तरह से, 2-2, 3-3 कतरे डालेंगे। ये देखने के बाद इसके मशीन के जहाँ हमारी मशीन की जॉइंट्स है वहाँ इसके अंदर हम ऑयलिंग करेंगे। उसके बाद ऑयल डालने के बाद फिर हम हाथ से मशीन को इस तरह से चलाएंगे। ये देख लें बस, अब उसके बाद ये जो साइट है इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। अब हम इसको बंद कर देंगे, उसके बाद ये देखने के बाद उसके बाद हम इसको चलाएंगे, फिर से हम इसको चलाएंगे ताकि जो हमने ऑयल किया है वो यकजान हो जाए, पुर्जों में सही से सेट हो जाए। उसके बाद ये देखने के बाद ये जो हमारा साइड है, इस साइड है, अब यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे इस तरह से, 2 से 3 कतरे डालेंगे या 4 कतरे इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, इसको गोला कहते हैं, गोले के साइड में हमने ऑयल डाल दिया। उसके बाद फिर हम मशीन को हाथ से चलाएँगे इस तरह से, हम इसको तेल डालेंगे, उसके बाद हम इसको ऑयल डालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कहाँ से हमें अपनी मशीन को क्लीन करना है। इस तरह से मैंने ऊपर की साइड में और साइड से मैंने ऑयल कर लिया है। अब उसके बाद ये देखने बस, इसको मैं खोल लूँगी, हटा लूँगी। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद जो हमारी शटल है, शटल को मैं निकाल लूँगी, डब्बी को मैंने निकाल लिया है। अब उसके बाद ये देख लें बस, हमारे मशीन का ये साइड है अंदर का। उसके बाद इसको हम खोलेंगे, ये मेरा इस तरह से खोल रहा है। आपका जो होगा वो नॉर्मल जो मशीन का होता है उसका, वो हम पेचकस की मदद से खोलते हैं, लगाने का तरीका सेम है, लेकिन हम इसको इस तरह से निकालेंगे। ये देख लें बस, अब उसके बाद जो इसके अंदर की साइड है, सबसे पहले हमें ये करना है कि सुई हमारी ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको निकालेंगे, वरना हमारी सुई टूट जाएगी। अब उसके बाद हम टेस्टर की मदद से हम इसके अंदर की साइड की जो हमारी ये, इसके अंदर जो हमारे ये धागे वगैरह, थ्रेड, कपड़ा वगैरह फंस जाता है, उसको हम क्लीन करेंगे, निकालेंगे इस तरह से, और कपड़े की मदद से हम इसको अंदर की तरफ इसकी सफाई करेंगे। इसके अंदर धागे और कपड़े और काफ़ी इसके अंदर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, तो इस तरह से हम इसको सफाई करेंगे। ये देख लेंगे बस, उसके बाद मैं इसके अंदर आपको ऑयल करना बताऊंगी, कहाँ हम इसके अंदर ऑयल करेंगे। तो ये देख लेंगे बस, पेचकस के अंदर मैंने कपड़ा रख के, उसके बाद मैं इसके अंदर की साइड में जहाँ मेरा मतलब फिंगर से नहीं हो रहा था, इस तरह से टेस्टर की मदद से मैं इसके अंदर तक कर रही हूँ। उसके बाद ये देखने बस, हमारा कपड़ा कितना ख़राब हो रहा है, हमारा नीट क्लीन कपड़ा था, लेकिन जब हम इसके अंदर अंदर से हम सफाई कर रहे हैं तो देखें कितनी गंदे कपड़ा है, वो कितना हमारा जो अंदर से नीट क्लीन हो रहा है, इस तरह से हमारे अंदर से सफाई हो रही है। इसी तरह हम इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे।
टेस्टर की मदद से ये देख लेंगे। इसके बाद जो हमारे इसके अंदर जो हमारे ये शटल लगी हुई थी उसके बाद हम वहाँ से इसकी सफाई करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसकी जो अंदर की साइड है हम इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, दो कतरे डाल देंगे, दो ड्रॉप्स। उसके बाद इसके अंदर ड्रॉप डालने के बाद इसको हम अच्छे से मशीन को चला लेंगे। उसके बाद जो हमारे जहाँ ये हमारी शटल लगी हुई थी उस साइड पे भी हम ये ऑयल डालेंगे। इस तरह से ऑयल डालने के बाद फिर हम मशीन को चलाएंगे। उसके बाद ये देखने का इसकी भी हम सफाई करेंगे, अच्छे से हम इसकी सफाई करेंगे। इसके अंदर भी धूल मिट्टी होती है और ये ख़राब हो रहा होता है। अब उसके बाद हम इसको फिक्स कर देंगे। ये देख लेंगे सुई हमारी ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी सुई नीचे होगी तो हमारी सुई टूट जाएगी, लगाने में हमें मुश्किल होगी। इस तरह से इस साइड को भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमने इसको साफ़ कर लिया। उसके बाद हम इसको अंदर इसको लगा के इसके बाद हम इसको फिक्स करें। जिस तरह से हमने इसको निकाला था बिल्कुल वैसे ही हम इसको अंदर की तरफ फ़िक्स करेंगे। तो आप जब इसको निकालेंगे तो आप ये ध्यान में रखेंगे आपने किस तरह से इसको निकाला है, बिल्कुल उसी तरह आपने इसको फ़िक्स करना है। उसके बाद ये देखने बस हमारा जो बूट है, पैर होता है मशीन का, उसके नीचे जो हमारी ये इसके नीचे जो हमारी ये तार बने होते हैं ज़िगज़ैग, इसके अंदर भी हम ऑयल डालेंगे 2 से 3 कतरे। उसके बाद हम अपनी मशीन को चलाएंगे। उसके बाद ये देखने का इस साइड को हम खोलेंगे इस तरह से टेस्टर की मदद से, पिचकस की मदद से। अब हम इसके बाद हम इसको खोल लेंगे इस तरह से, इसके नट को हम लूज़ करके उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से अब हमने इसको पिचकस को इसको अंदर से हमने लूज़ करके इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर की सफाई करेंगे इस तरह से। ये देखने बस इसके अंदर कितनी गंदगी हो गई है। इस तरह से इस साइड पे सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ भी हमारे थ्रेड और काफ़ी हमारे इसमें डस्ट मिट्टी हो जाती है। इस तरह से अब इसके अंदर हम कपड़े से हम इसको क्लीन कर लेंगे टेस्टर की मदद से। उसके बाद जो इसकी ये रॉड्स हैं यहाँ की हम सफाई करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसकी अंदर की तरफ भी हम इसकी क्लीन करेंगे। पहले हम इसको क्लीन करेंगे, अच्छे से हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये देखने के बाद इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसके अंदर पार्ट्स में हम ऑयल डालेंगे। ये देखने के बाद जो इसका जॉइंट का हिस्सा है वहाँ इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। जो हमारे ये जो रॉड्स हैं इसके अंदर भी हम ऑयल डालेंगे। उसके बाद जो इस साइड पे इसका जो जॉइंट है वहाँ पर ऑयल डालेंगे। उसके बाद गोले के ऊपर भी हम ऑयल डालेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर 2 से 3 3 कतरे ऑयल के डालते जाएंगे। उसके बाद हम अपनी मशीन को भी चलाते जाएंगे और ये जो हमारे बोर्ड को ऊपर नीचे करते हैं इसको भी हम ऊपर नीचे करेंगे ताकि हमारी ये मशीन थोड़ी सी हल्की हो। अगर अब आपका ये सवाल है कि मशीन में हम ऑयल क्यों डालते हैं, मशीन में इसलिए ऑयल डालते हैं क्योंकि मशीन की जो इसके पुर्जे होते हैं, जो इसके पार्ट्स होते हैं, वो इनमें जंग लगने लग जाता है, इसमें थोड़ा सा ये वो घिस जाते हैं। उसके बाद जब हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। इस तरह से इसमें ऑयल डालना बहुत ज़रूरी होता है। अब उसके बाद ये देख लें बस अब हम इसको नट को हम टाइट कर लेंगे। जिस तरह से हमने इसको खोला था उसी तरह हम अब इसको हम बंद करेंगे। तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा, जिस तरह से आप इसको खोल रहे हैं उसी तरह से हम इसके पार्ट्स लगा कर उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। तो इस तरह से हमने इस जगह पे कर लिया है। मशीन में अगर हम ऑयल डालते रहते हैं प्रॉपर तरीके से, अगर हम ऑयल डालते रहते हैं तो हमारी मशीन की जो शोर करती है, मशीन का शोर करना ख़त्म हो जाता है। मशीन में हम इसलिए ऑयल डालते हैं। और अगर हमारी मशीन में प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, बार बार ख़राब हो जाती है, और अगर आप मशीन को क्लीन रखते हैं, सर्विस करते रहते हैं, तो आपकी मशीन ख़राब नहीं होती। अब उसके बाद हम मशीन को इस तरह से कर लेंगे, इस साइड पर अब हम इसकी ऑयल डालेंगे। जो हमारी मशीन की जॉइंट्स पार्ट्स है वहाँ हम इसके अंदर 2 2 कतरे डालना शुरू कर देंगे। 2 2 कतरे हम इसके अंदर डालेंगे, 2 2 ड्रॉप्स डालेंगे, 2 2 कतरे 2 2 ड्रॉप्स डालेंगे। इस तरह से अब इसके अंदर हम ड्रॉप्स डालेंगे ताकि हमारी मशीन के जो पार्ट्स है इनमें ऑयल जाए अच्छे से और हमारी मशीन शोर ना करे और हमारी मशीन हल्की हो जाए, चलाने में आसानी हो, हमारी मशीन बार बार ख़राब ना हो। इस तरह से हमने मशीन के पार्ट्स में ऑयल डाल लेंगे अच्छे से। हम इसके अंदर ऑयल डालने के बाद उसके बाद हम फिर मशीन को सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसको चलाएंगे इस तरह से, हम अपनी मशीन को चलाएंगे। ये देख लेंगे बस इस तरह से हम मशीन को चलाएंगे, ऑयल डालेंगे, उसके बाद फिर हम मशीन को हाथ से चलाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद ये देख लेंगे बस अब हम इसे साफ़ कर लेंगे कपड़े से। इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह डस्ट हो गई है, जो हमारा ऑयल है उसको हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छे से। हम अपनी मशीन को साफ़ करेंगे।
काफ़ी लोगों का सवाल भी होता है कि भाई अगर हम ये अपनी मशीन को करें तो कितने दिन के बाद करें, और अगर हम अपनी मशीन में ऑयल डालें तो कितने दिन के बाद करें। तो लेकिन सबसे पहले ये होता है कि अगर आप रेगुलर काम करते हैं, आपका डेली का काम है, तो आप एक दिन छोड़ के अपनी मशीन में ऑयल डालें, ठीक है। पूरी इस तरह से सर्विस ना करें, सर्विस आप एक हफ़्ते के बाद कर लें, 3 दिन के बाद कर लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मशीन को यूज़ कर रहे हैं, तो 3 दिन के बाद, वरना एक हफ़्ते के बाद इस तरह से आप अपनी मशीन को ऑयलिंग आपको करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप डेली जैसे आप मशीन को इस्तेमाल करते हैं, तो आप डेली अगर मशीन में ऑयल डालेंगे, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम मशीन में डेली ऑयल डालें, अगर आप डेली ऑयल डालेंगे तो आपकी जो मशीन है उसमें सिलाई जब करेंगे आपके कपड़े के ऊपर ऑयल आएगा और कपड़े आपके ख़राब होंगे। तो इस तरह से आप डेली नहीं डाल सकते, सिलाई करने से पहले आप ऑयल नहीं डालिएगा। इस तरह से हमने इसके अंदर शटल भी लगा ली, उसके बाद हमने इसको बंद कर लिया, जिस तरह से हमने इसको खोला था उस तरह से ये देख लें, बस एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा था, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके 4 से 5 तैग करके, उसके बाद अब हम इसको बूट के नीचे कर दिया, सुई को हमने नीचे कर दिया, सुई को हमेशा हमने नीचे करके इस तरह से करके, और हमने अपनी मशीन को क्लीन करके अपनी मशीन को रखना है। कितना टाइम के लिए हमने रखना है तो मैं वो आपको आगे बताती हूँ। उससे पहले ये देख लें, बस जो आपकी सीज़र है, सीज़र पे भी हमें ऑयल करना चाहिए, क्योंकि हम इससे कटिंग करते हैं तो इसका भारीपन हो जाता है, हमें कटिंग करने में मसला होता है। इस तरह से हमारी जो सीज़र का जो हमारे साइट है, यहाँ पर हम इसके ऊपर ऑयल करके उसके बाद हम इसको फिंगर के मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से पूरी हमारी जो सीज़र है इसके ऊपर हम लगा लेंगे, जिसके सीज़र के ऊपर अगर कुछ बना हुआ होता है या प्लास्टिक होता है वहाँ हमने ऑयल नहीं करना। मेरी सीज़र के ऊपर पूरी जगह पर हम इस तरह से इसको ऑयल लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्टील की बनी है। इस तरह से हम इसको ऑयल करेंगे। सीज़र के ऊपर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर जंग लग जाता है, हम इसको कटिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से हम इसके ऊपर ऑयलिंग ज़रूर किया करें। मैं ज़रूर करती हूँ, जब मैं अपनी मशीन पर करती हूँ तो सीज़र के ऊपर भी ऑयल करती हूँ। तो ये देखें, बस जब मैं अपनी सीज़र को इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इसको अच्छे से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कटिंग करती हूँ। अब मैं आपको मशीन पे बताती हूँ कि हमने मशीन पे ऑयल करने के बाद, सर्विस करने के बाद हमने कितने टाइम के बाद इसको यूज़ करनी है। तो हमें इसे 1 घंटे के बाद अब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करने से पहले अपने नए कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं करनी, ये जो हमारा रफ कपड़ा है इसके ऊपर हम आपने सिलाई करनी है। उसके बाद फिर आपने इसको नीट क्लीन करना है, साफ़ कर लेना है, उसके बाद आप अपने नए कपड़े के ऊपर सिलाई करेंगे तो आपके कपड़े के ऊपर तेल नहीं आएगा। इस तरह से बस अगर आप अपनी मशीन में सर्विस करेंगे, खुद से ऑयलिंग करेंगे, तो आपकी मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपकी मशीन ख़राब होगी, ना ही आपकी मशीन शोर करेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।